इसके अलावा शहर के सार्वजनिक शौचालय डिसेबल फ्रेंडली हों, शहर के रेस्टोरेंट, क्लब, बार, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, टीवी डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए जिसमें दिव्यांग लोग अपने आप जा सकें। उन्होंने कहा कि फिजिकल हियरिंग और विजिबल इन सभी को ध्यान में रखकर शहर में बदलाव करने हैं। डॉक्टर प्रीति ने कहा कि वे उम्मीद करती हैं कि चंडीगढ़ जल्द ही देश का पहला डिसेबल फ्रेंडली शहर बन जाएगा। जो है हमारा वो एक प्लान सिटी है और प्लान सिटी होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत के और सारे शहरों से बहुत बेहतर हैं, पर इसके अंदर अभी तक डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना वो शहर के पूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अभी तक उतना क्लियरली नहीं है। सो अभी ये जो हम कर रहे हैं इसमें हम ये एक ऑडिट करेंगे कि चंडीगढ़ डिसेबिलिटी के लिए कितना फ्रेंडली है, और उसके बाद में उसका आगे फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि चंडीगढ़ को डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए क्या क्या हमें आगे उसको इम्प्रूवमेंट्स लेके आने हैं। इसके लिए हमारी एक मीटिंग गवर्नर साहब के साथ हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये इसके लिए वो पूरी तरह की हर तरह की फैसिलिटीज़ हमें देंगे, और अभी यहाँ पर हम NSS वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उनको ये बताएं कि उन्हें किस तरह से ऑडिट करना है। चंडीगढ़ को दिव्यांग मुक्त शहर बनाने के लिए सामाजिक संस्था ग्रीड की ओर से मुहिम शुरू की जा रही है जिसके तहत चंडीगढ़ की हर जगह को दिव्यांग लोगों के लिए फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि दिव्यांग लोग शहर में जहां चाहे वहां जा सकें। इसके तहत शहर में करीब 700 NSS के वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। यह वॉलंटियर चंडीगढ़ की अलग अलग जगहों पर जाएंगे और वहां पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किन किन जगहों पर दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इसके बारे में बात करते हुए गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति अरुण ने बताया कि उनके द्वारा 4 चरणों में ऑडिट किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक पेश कर दी जाएगी। देखिए क्या क्या चेंजेस होने और कहां कहां पे होने ये NSS वॉलंटियर्स देखेंगे, वो पहले देखेंगे और जांचेंगे कि कहां कहां उन्हें जाना है, वो उनको सबको सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उन सेक्टर्स के उनको अंदर उनको हर बिल्डिंग अपने मतलब जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लोगों का रिहायशी इलाका है, उसके अलावा हर जगह बाजार, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ATM, पब्लिक टॉयलेट, एवरीथिंग, सब कुछ उनको देखना है कि वो डिसेबल फ्रेंडली है या नहीं है। और इसके अंदर डिसेबिलिटी में हम सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें हम यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट और हेयरिंग इम्पेयरमेंट की भी बात करें, तो सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ के लिए हमारा शहर कितना फ्रेंडली है, वो लोग कितनी आसानी से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा है, और जो चीज़ें हैं इसके अलावा हम जैसे थिएटर है, रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, सब जगह कहीं हम ऑडिट करेंगे इसमें।